फिल्म जगत के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान आज 54 साल के हो चुके हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल फिल्मी कहानी रही है उनकी, फिल्मी या कहूँगा चमत्कारी कहानी, या उनका पूरा जीवन अपने आप में हम सब के लिए कहीं ना कहीं सीख है। एक शख्स जो दिल्ली शहर से मुंबई की तरफ रुख करता है, मरीन लाइन पे समुद्र की तरफ देख के कहता है, जब परेशान हो जाता है, जब चीज़ें उसके मुताबिक नहीं होती हैं कि इस शहर को मैं खरीद लूँगा। हम सब जानते हैं लाइन बड़ी फेमस है, कई बार जिक्र भी करा जाता है। मैं शाहरुख ने अपना सफ़र किस तरह से तय किया और वो कामयाबी के जिस शिखर पे पहुँचे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शाहरुख खान के उस साइड की बात करना चाहता हूँ, उस पहलू की बात करना चाहता हूँ जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पहलू ऐसे हैं जब हम उनके चाहने वालों की बात करते हैं, उनके फैंस की बात करते हैं, उनकी फैंस की दीवानगी का आलम भी अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मतलब आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जो मोहब्बत शाहरुख खान को मिली है, मुझे लगता नहीं इस तरह की मोहब्बत किसी भी स्टार को बॉलीवुड में मिली हो। जिन फैंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, भगवान ने, अल्लाह ने उन्हें हाथ पैर दिमाग सब दिया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जिस फैन का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो स्पेशल वैसे ही हैं क्योंकि अल्लाह ने, भगवान ने उन्हें वैसा बनाया है। कई दिनों तक मस्जिदों के चक्कर लगाए, नाम है दानिश खान, उम्र होगी तकरीबन 19-20 साल, अभी फ़िलहाल उम्र ये होगी। और शाहरुख को चाहा या मोहब्बत कब से कर रहे हैं, मुझे लगता है पैदा होते ही कर रहे हैं। बोल नहीं पाते हैं, सही से बात नहीं कर पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं, थोड़े से पैर ख़राब हैं, थोड़े से हाथ ख़राब हैं, लेकिन शाहरुख खान से मोहब्बत का जज्बा बिल्कुल बरकरार है, बहुत बेइंतहा बरकरार है। नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद की तरफ, सर पे टोपी लगाए, सफ़ेद कुर्ता पजामा में, पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, जानता हूँ, 3 सालों से तो मैं ये देख रहा हूँ, जब से वो मुंबई शहर में आके शिफ्ट हुए, उनकी फैमिली शिफ्ट हुई है, वो 3 सालों से रमज़ान के सारे रोज़े रखते हैं और लोग पता नहीं क्या क्या दुआएं मांगते हैं खुदा से कि मकान करा दे, घर करा दे, गाड़ी दिला दे, पैसा दिला दे। वो बोलते हैं कि अल्लाह से बोलते हैं कि अल्लाह पाक शाहरुख खान से मुलाकात करवा दे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी मुलाकात शाहरुख खान के सबसे स्पेशल फैन से कराने वाला हूँ, सबसे स्पेशल चाहने वाले से कराने वाला हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान। जैसे मैंने कहा कि वो स्पेशल हैं, तो शायद अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में वो बात रख ना पाए जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शाहरुख खान का इससे बड़ा फ़ैन पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। दानिश, शाहरुख खान के कब से फ़ैन हैं आप? आप मुझे रतन जिले तक हाँ मिलने जा रहा हूँ उससे। अच्छा, शाहरुख खान से मिलना चाहते हो बचपन से? हाँ। और शाहरुख खान को मिलने के लिए क्या करते हो? दुआ। किससे? शाहरुख खान के लिए। अच्छा, किससे दुआ करते हो? अल्लाह के। और क्या बोलते हो? मैं ये कहता हूँ अल्लाह पाक शाहरुख खान की पिक्चर सही हो जाए। हाँ। अल्लाह पाक ये कहता हूँ मैं। हाँ। शाहरुख खान की उपर हो जाए, कुछ भी हो जाए। शाहरुख खान से के घर गए तुम कभी? गया था। कब गए थे? पिछले साल दो अच्छे नवंबर। हाँ। हाँ, फिर मैं जब गया कुछ ताकत से मिलने वहीं बचा लिया। अच्छा। हाँ, मतलब आप गए थे और भीड़ में आप दब गए। हाँ। फिर ऊपर दिल गया। अच्छा। ये कहाँ हुआ था? नहीं भाई। हाँ। मंदिर के सामने। अच्छा, मन्नत के सामने। और शाहरुख खान से मुलाकात करने गए थे आप और भीड़ में आप दब गए। ये कह रहे हैं कि ये शाहरुख खान से मिलने के लिए गए साल 2 नवंबर को शाहरुख खान के घर गए थे और भीड़ ने इन्हें दबा दिया और इनके भाई ने, क्या नाम है आपके भाई का? मन्नू भाई। हाँ, इनके भाई ने उन्हें बचाया, नहीं तो आपको चोट लग सकती थी। लगने वाली थी, बच गया मैं तो। अच्छा अच्छा, लेकिन खुश हुए आप शाहरुख खान? खुश हो गया था। और अगर शाहरुख खान आपसे मिल जाए तो क्या कहेंगे आप? प्यार करूंगा। अच्छा। हाँ। आपको ये उम्मीद है कि शाहरुख आपको देखते ही प्यार करेंगे? हाँ। और आप शाहरुख खान से कैसे क्या बोलेंगे? आप अल्लाह पाक पिक्चर सही हो जाए उनकी। अच्छा। हाँ। पिक्चर सही हो जाए उनकी। हाँ। पिक्चर चले उनकी, आप ये चले। अच्छा, जिंदगी भर। जिंदगी भर कोई शाहरुख खान की फिल्म आपको याद हो जो आपने देखी हो? वो छैया छैया से ये दिल से का जिक्र कर रहे हैं।
और वो वाली चादर जैबा और दूसरी बस। ये कोशिश कर रहे हैं अपनी जबान में बताने की, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनकी बातों को समझने की। तो ये शाहरुख खान की दीवानगी का आलम है। एक एक आम इंसान, मैं और आप, शायद हमें भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने बुद्धि दी है, हाथ पैर सलामत दिए हैं, दिमाग सही दिया है। ये शाहरुख खान की मोहब्बत का, आई एम गेटिंग गूज बम्स, ये शाहरुख खान की मोहब्बत का एक इससे बढ़िया मिसाल क्या होगी। और मेरी उम्मीद, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि शाहरुख अपने इस फैन को अगर सुन सकें, देख सकें, मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा ये बात आप तक, एक बार इनसे मुलाकात करें। ऐसे भी फैन है शाहरुख आपके, और मुझे लगता है जो आपकी जो हम्बलनेस है, जो आपका झुक जाना है, जो आपका जज्बा है, जो आपके जज्बात समझने का तरीका है, शायद उसी का नतीजा है दानिश खान जैसी मिसाल। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, रमजानों में दुआ मांगते थे आप? हाँ, क्या बहुत दुआ मांगी, बहुत कई। अच्छा, और रोजे रखे? हाँ, पूरे पूरे रोजे रखे। हाँ। और क्या दुआ मांगते? अल्लाह पाए शाहरुख खान जी से तो खुश हो रहा है। अच्छा, अल्लाह पाए से कह रहा हूँ, अल्लाह पाए की बोल रहा है, अल्लाह पाए बोल रहा है, कुछ भी कुछ को काना होता है कारगिल जी का। अच्छा। हाँ, ये कह रहे हैं कि कोई भी काम शाहरुख खान का रुकेगा नहीं, ये दुआ करते रहते हैं रमजान में, रोजे रखते हैं और दुआ करते हैं। हाँ। और मिलेंगे शाहरुख खान तो क्या करेंगे आप? गले लगेंगे, क्या कहेंगे उनसे? गले मिलूंगा। क्या बोलोगे आप? क्या कहोगे? मैं कहूंगा आपकी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे ये। आप मिलने चाहता हूँ तुमसे। अच्छा, मिलना चाहता हूँ तुमसे, मिलने पे भी ये कहेंगे, मिलना चाहता, ये मासूमियत है। बस। अच्छा, बस मैं समझता हूँ ये बेशकीमती फैन है इस तरह के। और शाहरुख को अगर बर्थडे विश करना हो, कोई शाहरुख का पोज करना चाहें आप, तो क्या करेंगे? ये दीवानगी का आलम है, ये शाहरुख खान की मोहब्बत है। अब सच में शाहरुख, आप बहुत दिलों में जीते हैं, और ऐसे दिलों में जीते हैं शायद, आई डोंट नो क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या है जो आई एम स्पीचलेस। तो ये थे दानिश खान, और ये वो दीवानगी है शाहरुख खान को लेकर। मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद ऐसे और भी बहुत लोग हैं, मेरी तो मुलाकात दानिश से हुई, तो मैंने कोशिश करी कि उनका बर्थडे या 54 साल उनके ज़िंदगी में हो गए हैं, 54 साल के वो हो चुके हैं, उनको बॉलीवुड हेल्पलाइन की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, जिस टीम ने रिसर्च करके इनको ढूंढा और इस फैन को यहाँ तक लाने में कामयाब रही, हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में आपके उस जज्बे को, आपके उस तरीके को, आपकी उस तहजीब को सलाम, जिसने इस तरह के एक स्पेशल खास लोगों को भी ज़िंदा रखा है, एक मकाम, एक मिसाल कायम की है कि इस तरह के भी लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ख़ास लोग। ऐसी मोहब्बत मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही किसी स्टार ने या किसी भी अभिनेता ने इस तरह की मोहब्बत या इस तरह का प्यार स्नेह पाया हो। आज की मुलाकात के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात शाहरुख तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।